दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एमएम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फुट और मीटर, गज, इन सब में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 mm बराबर होता है 1 cm, 10 cm इज इक्वल टू 1 dm, 1 m इज इक्वल टू होता है 100 cm और 1 m इज इक्वल टू होता है 1000 mm। 1 m इज इक्वल टू होता है 3.28 फुट, यानी कि 10 mm बराबर 1 cm, 10 cm बराबर 1 dm, और 1 m, 1 m में कितना होता है 100 cm, और 1 m में mm कितने होते हैं तो 1000 mm, और 1 m में अगर पूछा जाए फुट कितना होता है तो ये होता है 3.28 फुट, और 1 km में मीटर कितने होते हैं तो 1 km में होते हैं 1000 मीटर। 1 फुट में इंच कितने होते हैं तो 1 फुट में इंच होते हैं 12, 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 फुट में पूछा जाए सेंटीमीटर तो 1 फुट में होते हैं 30 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 फुट में सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर। 1 फीट में mm पूछा जाए तो 304 mm, 300 से 304 mm माना जाता। 1 गज में अगर फुट पूछा जाए तो 1 गज में होते हैं 3 फुट, 1 गज बराबर 36 इंच, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12 इंच, और 12 × 3 कर देंगे तो 1 गज में हो जाएंगे 36 इंच, और 1 इंच में अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, और 1 m में इंच अगर पूछे जाए तो 1 m में होते हैं 39.37 इंच, 1 m बराबर 39.37 इंच। 1 इंच कितने का होता है तो 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर का। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।